एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त शम्स आ गया अपनी दूसरी ब्लॉग में। वालेकुम लेट बंटी, तेरा साबुन स्लो है, तेरा भी साबुन स्लो है। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो। आज का ब्लॉग जो है, हम यहाँ से भिलाई से राजनांदगांव जाएंगे, एक न्यू मस्जिद है वहाँ पे हम नमाज पढ़ने जाएंगे। जुम्मा का दिन है, हम दोनों रोजा रखे। फाइनली जो हम है आईपी ग्रुप की जो मस्जिद में आ चुके हैं, और बहुत बहुत गर्मी है, रोज़ा रखे हैं, बहुत दूर आना पड़ा हम लोगों को, और हम यहाँ से एक्स्ट्रा 11 किलोमीटर और आगे बढ़ चुके थे, और अभी जो है हम फाइनली मस्जिद आ गए। तो चलो अब दिखा। अभी जो है हम लोग मस्जिद में जा रहे हैं, राशिद को देख लो। राशिद आएगा अस्सलाम। तो अभी जो है मस्जिद इतनी खूबसूरत दिख रही है, माशाल्लाह, वो देख सकते हो आप लोग, सारे सीन कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे शूज़ स्लीपर उतारते हैं, और ये आप देखिए इतना प्यारा नज़ारा है। बस ये जो है इस मस्जिद का वज़ू खाना है, मैं आपको उसका वज़ू खाना दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम सारे के सारे वज़ू बनाएंगे, फिर उसके आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ। हम जो है वज़ू बना चुके हैं, और अभी मस्जिद में एंटर करेंगे, और राशि जो है वज़ू नहीं बनाया, सिर्फ पैर धोया, क्योंकि वो घर से वज़ू बना के आया है। इसको तो बहुत धूप लग रहा है, तो चलो चलते हैं मस्जिद में। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि इतनी प्यारी मस्जिद है। समझना होगा, अब किसी को अपना साल ही याद नहीं है कि मैं कब मालिक के निसाब हुआ था, किस डेट में मालिक के निसाब हुआ था, और उसको याद नहीं है। अब वो लेट के पनिशमेंट से, लेट के गुनाह से बचना चाहता है। पूरे ज़कात के जितने जेवर हो घर में, उसको तौलवा लेना चाहिए, उसको किसी सुनार से वजन करवा के उसका हिसाब किताब पूरा पाई पाई का हिसाब क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह के यहाँ एक बहुत बड़े अजाब से बचने का जरिया है। ये ज़कात के हवाले से मैंने आपको अर्ज किया, जो बेसिक मालूमात एक मुसलमान को होनी चाहिए। सो गाइस, फाइनली जो है हम नमाज पढ़ चुके हैं, और नमाज पढ़ने के बाद हम बाहर आ गए, और बहुत ही प्यारा मौसम है। रोज़ा रखने के बाद ऐसा मौसम आता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं क्या सीन है। और मस्जिद जो है बड़ी प्यारी है, सारे के सारे लोग देख रहे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे, हमें भी बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पर जो राशिद खड़ा है, और चलते हैं अभी देखते हैं। ये है मस्जिद फ्रंट लुक, यहाँ पर सारे के सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो राशिद है वीडियो बना रहे हैं, नया नया फ़ोन है राशिद। ये वज़ू खाना है, आप तुम जैसे देख सकते हो। और ये जो है यहाँ का एंट्रेंस है, और यहाँ बाजू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग ही व्यू, और ओवरऑल बहुत अच्छी लगी मस्जिद माशाल्लाह। सो गाइस, अभी जो है मुझे लग रहा था कि हमारी नमाज छूट जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा 11 किलोमीटर आगे बढ़ गए थे, हम लोग 11 किलोमीटर आगे बढ़ गए थे। और हम जो भिलाई से यहाँ पर आए, हमें रास्ता का कुछ इतना नॉलेज नहीं था, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत ऐसे कॉल और कैल वाल किए, पता करके आ गए। और डर गए कि हम लोग की नमाज, हाँ हम लोग ये भी, पर यहाँ पर आए तो नमाज़ बल्कि और लेट हुई, और ज़्यादा लेट हुई, और हमें नमाज़ भी मिली, बिल्कुल रोज़ा रख के नमाज़ मिल गई, जुम्मा की खुतबा भी मिल गया, बहुत अच्छा लगा। फासिलों को तकल्लुफ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते
वहां जाके वापिस नहीं आएंगे। नेकियां ऐसी बोरी में रखनी चाहिए जिसमें छेद ना हो, क्योंकि लोग नेकियां तो करते हैं लेकिन लोगों का दिल भी दुखा देते हैं। लिहाजा नेकियां करें लेकिन ऐसी बोरी में जमा करें जिसमें छेद ना हो, ताकि क़यामत में आपको आपकी की गई नेकियों का पूरा पूरा सवाब मिल सके। सो फ्रेंड्स, हमें जो है इस साल की जो सबसे ब्लेसिंग्स महीने आते हैं वो है रमज़ान के महीने, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़ना चाहिए। ये यही महीना है, महीना भर से वन मंथ, जितने हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, रोज़ा तो हम माशाल्लाह रखते ही हैं, और जो नहीं रखता वो रखे। और ये आवाज़ इतनी धीरे इसलिए आ रही क्योंकि हम मस्जिद में, और मस्जिद में ऊँची आवाज़ में बात करना मना है, इसलिए तो हम ऊँची आवाज़ नहीं बोलने वाले। मस्जिद की लाइट ऑफ होने के बाद मैं राशिद जब बाहर निकल रहे थे, हमें ये बात पता चला कि ये जो मस्जिद है वो आईबी ग्रुप के ओनर बहादुर अली ने बनवाया है अपने वर्करों की नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है, उन्होंने अपने ही पैसों से इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई उन वर्करों के लिए, बहुत ही सवाब का काम है, और हमें भी ऐसी कुछ छोटी मोटी सवाब के काम करनी चाहिए। इतना मजा आया ना, राशिद कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? राशिद सिर्फ वीडियो कौन सा फोन लिया है? मैं ले हूं iPhone X। iPhone X वो वाला बोल सकते हैं, क्या हुआ वो भी है ना भाई मेरे। सो गाइस, राशिद बहुत रिच किड बन गया है इस पर्स, और ये देख लो रिच किड, ऐसी जूते X पकड़ के घूमते हैं, हम लोग तो 8 पकड़ के घूम रहे हैं। और राशिद इधर आ। हां भाई, चल बता मुझे कैसी लगी है मस्जिद? माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेन चीज़ होता है खासियत के, पूरे मार्बल के बने हैं मस्जिद, बहुत ज़्यादा, और ना ये बहुत प्यारा लुक दे रहा है। अभी धूप नहीं, धूप होता तो और अच्छे देखे लोग। सो गाइस, ऐसा है, हमने बहुत मेहनत किया, तो क्या करना है चाहिए उन लोगों को हमारे लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ। देख लो गाइस, हम जो है इतनी धूप में इतनी दूर से दौड़ते हुए आए हैं गाड़ी में, और एक्स्ट्रा 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ गए थे आगे आगे, और राशिद को लग गया प्यास। राशिद प्यास लग गया ना, आज तो रोजा लग गया इसको, इतनी पानी देख देख के ना राशिद प्यासा बन गया है, मन कर रहा नहा लूं इसी पानी में। सो गाइस, फाइनली अभी जो है हम घर जा रहे हैं, और वीडियो जो प्रॉपर तरीके से बन चुकी है, और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके। और अगर आपको भी आना होगा तो हम पूरी एड्रेस आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में हो सके तो डाल देंगे। तो यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो वो आएगा एक्वा विलेज पर, आपको इससे पहले आना है राइट तरफ। राइट तरफ में एक बोट मिलेगी, और यहाँ पे एक एबिस की फैक्ट्री मिलेगी, और आपको यहाँ से सीधा जाना रहेगा, और आपको एक आईबी ग्रुप मिलेगी। आईबी ग्रुप के जस्ट बाजू में है हमारी मस्जिद, और वो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, आपको देख के तो मज़ा ही आ जाए। हमारी जो है पेट्रोल ख़त्म हो गई है, चलो राशिद, और हमारे पास पैसे हैं पर यहाँ पे कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, बहुत दूर है यहाँ पे पेट्रोल पंप। राशिद क्या बोलता है? तो बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा। और मेरे भाई लोग, पेट्रोल पंप मिल गया, राशिद मिल गया पेट्रोल पंप। चल जला पेट्रोल दे, गाड़ी खड़ी कर दी यहीं पे, चल ना गाड़ी लेके चलते हैं। तो चलो वहाँ से दौड़ते 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 यहाँ तक आए, बहुत लंबा सफ़र झेले हैं, कम से कम नहीं भी तो नहीं 2 किलोमीटर तो हम लोग पैदल चले हैं। रोज़ा रख के ऐसे मौसम में यार चलना बड़ा मुश्किल का काम होता है, वो बिजली का डक है। अच्छा हुआ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है बारिश हो गई, इतनी धूप नहीं थी, धूप होती तो और हालत ख़राब हो जाता हमारा। तो
एक्चुअली मैं जो घर आ चुका हूँ और अभी बज रहे रात के 10, क्योंकि मैं घर आते ही सो गया था। उसके बाद इफ्तारी करने के बाद थोड़ा घूम फिर के उस टाइम टाइम नहीं मिला, मैं भूल भी गया था कि मुझे बनाना था वीडियो। और अभी जो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, और वीडियो नेक्स्ट बहुत अच्छी आने वाली है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।